नमस्कार दोस्तों, मैं सो कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल बॉटनी वाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आपने हमारा YouTube चैनल बॉटनी वाला सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल बॉटनी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज का हमारा टॉपिक है मेगास्पोरिंजियम या गुरु बीजाणु धानी, किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ओविल या गुरु बीजाणु धानी कहते किसे हैं। आवरित जो एम्ब्रियो सेक है उसे अपन क्या कहेंगे, ओविल कहेंगे। अब आवरण एम्ब्रियो सेक है, उसके ऊपर किसका पाया जाएगा, इंटेगुमेंट का, इन टेग्यूमेंट का आवरण पाया जाएगा। ठीक है, इन टेग्यूमेंट का, इसके ऊपर किसका आवरण पाया जाएगा, इन टेग्यूमेंट या अध्यावरण का आवरण पाया जाएगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, ओविल बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो अपन इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की दिखाई देगी, जिसके अंदर क्या होगा, एक स्टोलक लाइक या टोलक लाइक संरचना दिखाई देगी, जिसे अपन क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का क्या काम होता है, ये ओविल को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद क्या है, हाइलम। हाइलम क्या होता है, फ्यूनिकल का वह भाग जो ओविल से जुड़ा रहता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइलम। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके चारों ओर अध्यावरण या इंटेगुमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, जो किसको, एम्ब्रियो सेक है, इसको क्या कर रखते हैं, आवरित या कवरित करते हैं। ठीक है, इसका आवरण बनाए रखते हैं, इसको चारों ओर से कवर किए हुए रखते हैं। ये होती क्या, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सुरक्षात्मक क्या होता है, आवरण आवरण होता है। ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होगा इनर और एक होगा आउटर। ये अपना क्या हो गया, आउटर इंटेगुमेंट, और ये क्या हो गया अपना, इनर। ठीक है, यानी बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण जो है चारों ओर से एम्ब्रियो सेक को घेरे हुए रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर क्या होता है, अध्यावरण का अभाव होता है, उस स्थान को अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार बोलेंगे। ठीक है, यहां पर क्या होगा, माइक्रोपाइल या बीजांड जो द्वार है, इसके ऊपर क्या होगा, इंटेगुमेंट का अभाव होगा। ठीक है, जहां से क्या होगा, पोलन ट्यूब है वो क्या करेगी, एम्ब्रियो सेक के अंदर एंट्री करेगी। ठीक है, माइक्रोपाइल के विपरीत वाला जो भाग है उसे अपन क्या बोलेंगे, चलाजा या निभाग बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिससे क्या होने वाले जो भी न्यूट्रिटिव या जो जल है उसकी क्या होती है, इसको सप्लाई होती रहती है। ठीक है, इसके अंदर की बात करें तो ये क्या हो गया अपना, यहाँ पे एक न्यूसेलस टिश्यू भी पाया जाता है, वो क्या होता है अपना, न्यूट्रिशन का काम करता है। ठीक है, जो एम्ब्रियो सेक है इसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा, जो एम्ब्रियो है या स्पोरोजेनस जो टिश्यू है उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन का काम कौन करेगा, न्यूसेलस से करेगा। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो क्या हो गया अपना, एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूण कोष, और इसके अंदर ये क्या हो गई, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये क्या हो गया अपना, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इससे क्या बनेगा अपना, एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, भ्रूण कोष का निर्माण होगा डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा, और ये क्या है अपनी,
एंटीपोडल सेल जो क्या है, शलाजा भाग की ओर उपस्थित है। ठीक है, ये क्या हो गई, एंटीपोडल सेल। और यहां पे क्या है, दो तो है, सिनर्जिड सेल और एक ये क्या हो गई अपनी, एग सेल हो गई। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन एक अपरेटस। ठीक है, इस प्रकार क्या हो गई अपनी एक ओविल की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर अपन पार्ट की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर है, इनका क्या क्या काम होता है, उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने क्या है, फ्यूनिकुलस होता है। ठीक है, फ्यूनिकुलस क्या होता है, इसके अंदर जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ओविल को जोड़ने का काम कौन करेगा, अपना फ्यूनिकल करेगा। ये होता क्या है, एक स्टोलक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है अपना, इंटेगुमेंट, इसको हिंदी में बोलेंगे अपन अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण क्या होते हैं, ओविल को माइक्रोपाइल के अलावा ओविल को चारों ओर से घेरे हुए रखते हैं। ठीक है, और जिस स्थान पर इंटेगुमेंट का अभाव होता है उसे अपन क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इससे पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रवेश होगा। ठीक है, ये क्या है अपनी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तीसरा है अपना इंटेगुमेंट, इसके अंदर संख्या के आधार पर क्या होंगे, ये तीन प्रकार के होंगे। पहला है यूनिटेगमिक, जो किसके अंदर पाए जाएंगे, जो सिंपेटली है उनके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या होगा, इंटेगुमेंट क्या होगा, एक होगा या अध्यावरण एक पाया जाएगा। दूसरा है बाइटेगमिक, इसके अंदर जो अध्यावरण है वो क्या होंगे, दो होंगे। और इस प्रकार जो अपने पॉलीपेटली या जो मोनोकोट है उन पादपों के अंदर बायोटेगमिक कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर दोनों अध्यावरण इनर और आउटर दोनों क्या होंगे, उपस्थित होंगे। और तीसरा है एटेगमिक। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो इंटेगुमेंट का क्या होगा, अभाव होगा। ठीक है, यानी कोई भी अध्यावरण नहीं पाया जाएगा। इसके अंदर क्या है, ओलिरेसी जो फैमिली है उसके कुछ सदस्यों के अंदर ये पाए जाते हैं। और एक होती है कुछ प्लांट है जिसके अंदर क्या होता है, दो से अधिक इंटेगुमेंट या अध्यावरण पाए जाते हैं, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एरिल कंडीशन बोलेंगे। जो किसके अंदर पाई जाती है, अपनी लीची के अंदर पाई जाती है। अगर कोई पूछ ले आपसे कि लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा, अपना एरिल भाग होगा। ठीक है, इसके बाद होगा अपना चौथा है माइक्रोपाइलर या बीजाणु द्वार। बीजाणु द्वार क्या होता है, इसके ऊपर ऑयल का वह भाग जहाँ पर इंटेगुमेंट का क्या होता है, अभाव होता है, और इसके माध्यम से क्या होगी, पोलिन ट्यूब एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, एक इसके अंदर क्या पाई जाती है, जो ऑयल है ऑयल के अंदर एक ऑब्टुरेटर स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसका क्या काम होता है, वो पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइलर की तरफ जाने की ओर प्रेरित करेगी। ठीक है, जो यानी जो पोलन ट्यूब है, ठीक है, यहां से प्रवेश करेगी तो इसको किसकी ओर भेजेगी, माइक्रोपाइल जो भाग है उसकी ओर भेजने का काम है कौन करेगा, अपना ऑब्टुरेटर करेगा। और फिर है अपना न्यूसेलस। ठीक है, ये क्या है, अपना न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ठीक है, जो क्या क्या करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, ये भी क्या है, दो प्रकार के हैं, एक तो है पहला हो गया अपना टेन्यूनुसी लेट और दूसरा हो गया क्रोसिन्यूसी लेट। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा,
न्यूसेलेज की सिंगल लेयर पाई जाती है। और इसके अंदर क्या होगा, न्यूसेलेज की क्या होगी, एक से अधिक या मल्टीपल लेयर पाई जाती है, ठीक है। जो हेलियंथस है उसके अंदर 8 से 10 पाई जाती है, ठीक है, किसी न्यूसेलेज की लेयर पाई जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अपना है एक है एपिस्टेटस और हाइपोस्टेस। इसके बाद है हाइपोस्टेज और एक है एपिस्टेज, ठीक है। हाइपोस्टेज क्या होगा, यानी कोशिकाओं का एक ग्रुप पाया जाएगा जो अपना एम्ब्रियो सेक है इसके नीचे की ओर चलाजा भाग की तरफ पाया जाएगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, हाइपोस्टेज बोलेंगे, ठीक है। और अपना जो एम्ब्रियो सेक है उसके ऊपर की ओर माइक्रोपाइल भाग की तरफ एक कोशिकाओं का ग्रुप पाया जाएगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, एपिस्टेज बोलेंगे, ठीक है। अब हाइपोस्टेज का काम क्या करता है, एक तो क्या है, जो एम्ब्रियो सेक है इसको जो अपने फ्यूनिकल भाग में जाने से रोकेगी, ठीक है, पुश होने से रोकेगी, और कुछ ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन भी करती है, ठीक है। तो इस प्रकार अपना क्या होगा, एक ओवल की स्ट्रक्चर हो गई। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।